हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है गेट ऑन क्यूरियस चैनल में। और आज आपको मैं बताने वाली हूँ क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड किसे जारी किया जाता है, किसे मिलता है, और क्रेडिट कार्ड के यूज क्या क्या है, और क्रेडिट कार्ड के कितने सारे नुकसान भी हैं, और क्रेडिट कार्ड अगर हमें चाहिए तो उसे हमें अप्लाई कैसे करना चाहिए, फिर चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो तो हमें इसे कैसे अप्लाई करना चाहिए, और क्रेडिट कार्ड का हम ज्यादा से ज्यादा कैसे इसका मैक्सिमम यूज कर सकते हैं, तो इन सारी बातों के बारे में इन्फॉर्मेशन, ये सभी क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन के बारे में इस वीडियो में आपको मैं बताने वाली हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना इसी प्रकार की जानकारी जानने के लिए। सबसे पहले जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है। क्रेडिट कार्ड बिल्कुल एटीएम और डेबिट कार्ड की तरह होता है। क्रेडिट कार्ड भी प्लास्टिक का बना हुआ होता है, जैसे कि आप देखते होंगे डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड को, पर दोनों में अंतर ये होता है कि डेबिट कार्ड में आपके पास जो जमा राशि रहती है उसी जमा राशि का ही आप यूज कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं या पेमेंट कर सकते हैं, पर क्रेडिट कार्ड में ऐसा नहीं होता है। क्रेडिट कार्ड में आपको बैंक द्वारा, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में एक ये अंतर होता है कि डेबिट कार्ड में हमारी जो द्वारा जमा की गई राशि रहती है हमको उसी में यूज करना रहता है, यानी कि अगर आपके डेबिट कार्ड में 50,000 रुपये हैं तो आप 50,000 रुपये का यूज कर सकते हैं खर्च करने में, पेमेंट करने में, क्योंकि डेबिट कार्ड हमारे अकाउंट से लिंक्ड होता है और क्रेडिट कार्ड हमारे अकाउंट से लिंक नहीं होता है। और क्रेडिट कार्ड जब आपको जारी किया जाता है तो उसमें आपको एक एक तय लिमिटेड राशि दी जाती है कि आपको इतनी राशि का ही 1 महीने के अंदर अंदर आपको खर्च करना है और आप खर्च कर सकते हैं। वो बेनिफिट मिलता है आपको क्रेडिट कार्ड में। क्रेडिट कार्ड के कुछ बेनिफिट्स भी हैं और नुकसान भी है, इस वीडियो में आपको मैं बताने वाली हूँ। अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड किन्हें इशू किया जाता है। अगर आपकी भी कहीं जगह जॉब है, सर्विस है, या फिर आपका बिजनेस है या धंधा है बहुत बढ़िया चल रहा है, तो आपको क्रेडिट कार्ड जारी कर दिया जाता है, यानी कि मिल जाता है आपको क्रेडिट कार्ड इजीली। इस बेसिस पे आपको क्रेडिट कार्ड इजीली मिल जाता है। और अब बात करते हैं कि क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए, यानी कि क्रेडिट कार्ड लेने के लिए हमें किस तरीके की प्रोसेस करनी पड़ती है जिसके जरिए हमें क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आप किसी भी बैंक में, अगर आप SBI से करना चाहते हैं क्रेडिट कार्ड जारी, तो आप SBI में क्रेडिट कार्ड, SBI ऑनलाइन वेबसाइट में जाके आप क्रेडिट कार्ड को जारी कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन क्रेडिट कार्ड जारी करवाना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड इशू करवाना चाहते हैं, तो आप अपनी बैंक में जाके भी करवा सकते हैं। वहाँ पे आपको दिया जाता है, सारी इन्फॉर्मेशन बताई जाती है, उस इन्फॉर्मेशन को आपको फॉलो करना रहता है और आपको क्रेडिट कार्ड आपके एड्रेस पे, आपको घर पे मिल जाता है क्रेडिट कार्ड। और क्रेडिट कार्ड की एक और इन्फॉर्मेशन होती है कि अगर आपका बैंकिंग में आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, आपके पास FD है, कुछ इस प्रकार की जो आपकी जो बैंकिंग में जो ट्रांजेक्शन होते हैं उस बेसिस पे भी आपको क्रेडिट कार्ड इशू कर किया जाता है, उस बेसिस पे आपको क्रेडिट कार्ड इशू किया जाता है। और आप जब क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो आपको 1 महीने के अंदर अंदर आपके बताए गए एड्रेस पे आपको घर पे पहुंच जाता है आपका क्रेडिट कार्ड। अब जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड का आप यूज कैसे कर सकते हैं। जब आपको क्रेडिट कार्ड इशू किया जाता है तो बैंक आपको एक लिमिट राशि कर दी जाती है कि आप 50,000 तक का खर्च कर सकते हैं विद इन 1 मंथ। तो ये लिमिट बैंक द्वारा तय की जाती है जब आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है। और ये जो बैंक के द्वारा लिमिट तय की गई रहती है कि अगर आपको 25,000 रुपये दिया गया है कि आप 25,000 का खर्च कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड से 1 महीने के अंदर अंदर, और ये लिमिट बढ़ती जाती है समय के हिसाब से और आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से। दूसरा यूज आता है, अगर आप का ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपको 2 बेनिफिट मिलते हैं। एक तो आप अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और आपको वहाँ पे कभी डिस्काउंट मिल रहा होता है, अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हो आपको कुछ डिस्काउंट मिल रहा होता है तो आपको वो एक बेनिफिट मिलता है। अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड के फायदे की, यानी कि बेनिफिट्स के। सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही होता है क्रेडिट कार्ड का, आप क्रेडिट कार्ड का यूज ऑनलाइन शॉपिंग में करते हैं या फिर पेमेंट में करते हैं तो आपको रिवॉर्ड्स मिलता है, कुछ पॉइंट्स मिलते हैं जिसको आप रिडीम करके उसका यूज कर सकते हैं। और आपको और भी कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको अगर ऑनलाइन शॉपिंग में कुछ डिस्काउंट मिल रहा हो क्रेडिट कार्ड के जरिए अगर आप पेमेंट करते हैं तो वो डिस्काउंट का बेनिफिट भी आप ले सकते हैं। मान लो आपको अगर वहाँ 2,000 रुपये की चीज़ मिल रही है और आपने अगर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करा है तो वहाँ पर आपको 1,000 रुपये की छूट मिल सकती है। तो इस प्रकार से क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स हो सकते हैं, ये काफ़ी पॉपुलर बेनिफिट्स होते हैं जो क्रेडिट कार्ड में मिलते ही मिलते हैं। अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड के नुकसान की, कि क्रेडिट कार्ड में आपको क्या क्या नुकसान देखना पड़ सकता है या फिर आपको सहना पड़ सकता है क्रेडिट कार्ड से अगर आप यूज करते हैं तो। सबसे बड़ा नुकसान इसका ये है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं और आप उसका पेमेंट, उसका बिल पे करना भूल जाते हैं या फिर समय से देर कर देते हैं, डिले कर देते हैं, तो आपको काफी ज्यादा पेनल्टी का भुगतान करना पड़ सकता है।
क्रेडिट कार्ड के नुकसान में सबसे बड़ा नुकसान तो यही आता है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड का भुगतान समय पे नहीं कर पाते, यानी कि ड्यू डेट के बाद अगर आप भुगतान करते हैं क्रेडिट कार्ड का, तो आपको बहुत सारी पेनल्टी देनी पड़ सकती है और आपको उसका नुकसान सहना पड़ सकता है क्रेडिट कार्ड में। और दूसरा उसका नुकसान ये भी आता है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड का यूज एटीएम मशीन में यूज करते हैं, तो आपको उसमें पेनल्टी लगना शुरू हो जाती है जब भी आपने अगर आप क्रेडिट कार्ड का यूज कैश निकालने में यानी कि विड्रॉ करने में यूज करते हैं एटीएम मशीन से, तो आपको जब से पेनल्टी लगना शुरू हो जाती है क्रेडिट कार्ड में। तो बेहतर यही होगा कि क्रेडिट कार्ड का यूज आप ना करें एटीएम में, डेबिट कार्ड का यूज करें एटीएम मशीन में। क्रेडिट कार्ड का यूज आप जहाँ जितना हो सके आप ऑनलाइन शॉपिंग में कर सकते हैं, या फिर आपको करना होगा किसी को पेमेंट तो आप क्रेडिट कार्ड का यूज कर सकते हैं। और आपको अगर इमरजेंसी में जरूरत पड़ रही है कैश की, तो आपको किसी से मदद नहीं मिल पा रही है कैश की, परिवार हो या रिश्तेदार हो, तो आप क्रेडिट कार्ड की हेल्प से आप कैश निकाल सकते हैं। ये थे कुछ जानकारी क्रेडिट कार्ड के बारे में। और आपको इसमें और भी कुछ जानकारी जानना हो जो आपको इस वीडियो में नहीं पता चल पाई हो, तो आप नीचे कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं, बेझिझक होकर बिना संकोच करें। और इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि इससे आपको समय पर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।